बैठिएगा, आप लोग बैठ जाइए ना, तो काहे लाके बैठे हैं, बैठिए आगे, बैठा बैठे रहिए, उठिएगा नहीं। कोई चुनौती नहीं है और हमारे नेता जो है माननीय जो लालू प्रसाद जी है गरीब के मसीहा है और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं है। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे भाई जो है विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी उनका आशीर्वाद बहन को दे दिया है और हमारे राजमाता जो है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री उनका आशीर्वाद मिल गया है और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस में पप्पू यादव भी कांग्रेस में ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेगा, ऐसे में क्या कहेंगे? उनका भी हम सम्मान करते हैं और वो भी साथ रहेंगे। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है वह सर्वमान है और हमको जो आशीर्वाद मिला है और जो हमारे पप्पू जी हैं आदरणीय हैं गार्जियन हैं उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे गार्जियन बनके। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि पूर्णिया में महागठबंधन में ही टकराव हो रहा है? कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं है, सब लोग आ रहे हैं, कोई टकराव ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। नॉमिनेशन कब हो रहा है? नॉमिनेशन 3 तारीख को हम देने जा रहे हैं। क्या जदयू के जो है वर्तमान सांसद उनसे उनको कितना चुनौती मांग रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है, किसी से हमको चुनौती ही नहीं है। क्या जदयू के भी कार्यकर्ता का समर्थन मिल रहा है आपको? क्या बिल्कुल मिल रहा है, सभी का प्यार स्नेह पूर्णिया के जनता से कार्यकर्ता जनता सभी का प्यार मिल रहा है। थैंक यू।